नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो नवरात्रे आने वाले हैं। मैंने आप सबको बोला था कि आपको जो जो वीडियोस मैंने आपको बताई है वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नवग्रह कैसे बनाने हैं, वो तो मैंने आपको बताई दिए थे पूजन में। और फिर मैंने आपको षोडश मातृका भी बता दी कि कैसे बनाई जाती है, जो कि बनाना बहुत शुभ होता है और अच्छा होता है। तो जब कलश स्थापना की जाती है तो अष्टदल कमल बनाया जाता है। तो जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत के दिए के नीचे भी हमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। जहाँ माता रानी की मूर्ति या कोई फोटो हमें विराजमान करनी है तो वहाँ भी हमें अष्टदल कमल बनाकर ही माता रानी को विराजमान करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता है। तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि अष्टदल कमल आप रंगे हुए चावलों से बनाएं, या कुमकुम से बनाएं, रोली से बनाएं, या आप हल्दी से भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप किसी भी अनाज से ना बनाकर, यानी कि चावल से ना बनाकर, आप हल्दी से बनाएं और जो उसके कॉर्नर है वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी रोली या कुमकुम लगा दें तो भी वो जो अष्टदल कमल है बहुत ही सुंदर लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो आज मैं आपको अष्टदल कमल बनाना बताऊंगी कि जो रंगे हुए चावल होते हैं उनसे कैसे बनाया जाता है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये देखिए, चावलों को मैंने खाने वाले पीले रंग से रंग लिया है। आप हल्दी से भी रंग सकते हैं। तो अब मैं इसके बनाऊंगी अष्टदल कमल। और ये मैंने चावलों को रंग लिया था लाल रंग से। तो जहाँ पर आपने कलश की स्थापना करनी है, जिस चौकी पर आपने कलश की स्थापना करनी है, तो वहाँ पर आप अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे, क्योंकि कलश के नीचे ही बनाया जाएगा। जहाँ आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसके नीचे भी अष्टदल कमल बनाएं। और माता रानी की जहाँ जैसे चौकी लगाई है आपने, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चौकी नहीं लगाते हैं, छोटा सा पटरा ज़मीन पर लगा लेते हैं, वहाँ माता की फ़ोटो रख देते हैं, आसपास गंगा जल से सफाई करके पूरा फर्श पर ही बनाते हैं। तो वो आपकी इच्छा है। तो अगर आप फर्श पर ही बना रहे हैं तो भी आप अष्टदल कमल खूब अच्छे से बना सकते हैं, रंग बिरंगे चावलों से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चावलों से बनानी होगी बाउंड्री। फिर हम इसको कर देंगे क्रॉस। हमें बनानी होगी 8 लाइनें, क्योंकि अष्टदल कमल है तो 8 लाइनें तो बनेगी ही बनेगी। तो ये 8 लाइनें बना दी हैं। अब इन 8 लाइनों के जो कॉर्नर हैं वो जोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने अष्टदल कमल चावलों से बना दिया है। अब मैं इसके अंदर भर दूंगी लाल रंग के चावल। अब इन सभी में मैंने लाल चावल डाल दिए हैं। अब इनको हाथ से कर दूंगी सेट। तो ये देखिए, ये मैंने अष्टदल कमल बना दिया है चावलों से। ये कितना सुंदर बना है।
और इसके बीच में मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, वहाँ पर मैं रख लूँगी थोड़े से लाल रंग के चावल। और तो ये देखिए, इसे आप रंगोली की तरह भी बना सकते हैं। तो ये अष्टदल कमल आप माता रानी को जब विराजमान करें वहाँ भी बनाएं, कलश स्थापना करें वहाँ भी बनाएं, और जहाँ आपको अखंड जोत जलानी है उसके नीचे भी ये अष्टदल कमल जरूर बनाएं। तो ये मैंने आपको अष्टदल कमल बनाकर दिखाया कि कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले मैंने बताया कि आप हल्दी से बनाएं, और जो चावल है उन पर हल्दी रंग के भी बना सकते हैं, और खाने वाला कलर, मैंने तो खाने वाला कलर था जो उससे चावलों को रंगा था, तो आप हल्दी हो खाने वाला कलर हो उससे भी रंग सकते हैं। तो अष्टदल कमल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए और जो माँ भगवती है उनकी पूजा के लिए अष्टदल कमल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अष्टदल कमल बनाया है, इसी तरीके से आप रंगोली भी बना सकते हैं चावलों से, वो भी बहुत अच्छी लगती है। फूलों की रंगोली भी बना सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि जो चरण बनाने हैं मैया जी के वो कैसे बनाने हैं, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई थी दिवाली के पास की लक्ष्मी जी के चरण कैसे बनाए जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जो माँ दुर्गा है इनके चरण भी ऐसे ही बनाए जाएंगे, तो वो चरण भी आप अपने घर की दहलीज से लेकर घर के अंदर तक बना कर ला सकते हैं। जहाँ माता रानी की चौकी भी लगाएंगे वहाँ पर भी आप वो चरण बना सकते हैं, और जो चरण बनाएंगे डेली उन चरणों की पूजा भी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। और मेरा एक और चैनल है किशोरी कृपा नाम से, वहाँ पर हम माता रानी के, राधा कृष्ण के अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। तो अगर आपने अब तक वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा वो चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।